अरे वाह भाई, यहाँ तो खूब हंसी मजाक हो रहा है। कैसी तबीयत है बात? डॉक्टर ने क्या कहा? ने क्या कहना था? डॉक्टर ने यही कहा कि इनको फौरन घर लेके जाइए, इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है। उसने मुझसे धोखे से साइन कराए और नोटिस भी मेरे घर भेज दिया। ये सारी बातें अम्मा को पता है। हेलो, क्या खबर है? कुछ नहीं, बस वो अभी बुढ़ा यहाँ शिफ्ट हो गया है और खैरू ने कुछ सामान वामान दिलवाया। और खैरू कैसी है? ठीक है, बस आने वाली है थोड़ी देर। मास्टर के कान में ये बात जल्द से जल्द डाल दो कि वो जिस बेटी के टुकड़ों पर आज तक पल रहा था, अब भी उसी के रहमो करम पर है। ठीक है, जैसा तुम बोलो। ओके, सारी बातें तो ठीक हैं बेबी, लेकिन तू जब अपनी गंदी जबान से खैरू का नाम लेता है तो बहुत हटती है। इसी वजह से एक दिन ठोकूंगा। कमले वाह वाह, नहीं वहां रख। मैं अब्बा से मिलने गई थी, माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर है, और रात ने मुझे बताया कि आज ही अब्बा को घर शिफ्ट कर लेंगे। मुझे तुमने जाने से मना किया और तुम खुद होकर आ गई वहां से, क्या जरूरत थी जाने की? रवीश तुम जानते हो मैं अब्बा से दूरी बर्दाश्त नहीं कर सकती, और वैसे भी मुझे वहां पे किसी ने भी नहीं पहचाना। अगर तुम्हें वहां कोई देख लेता, तुम्हें याद है खैरू ने पहले तुमसे कितना झगड़ा किया था? मैंने चेहरा ढांप रखा था दिलावेज, मुझे किसी ने भी नहीं पहचाना। अगर फिर भी मैं, तुम्हें एहतियात करनी चाहिए, कोई तुम्हें पहचान भी सकता था। हाँ, राहत ने मुझे पहचान लिया था, लेकिन उसने अब्बा के सामने मेरा जिक्र नहीं किया। और खैरू ने फिर से मुझे झगड़ा किया। अब्बा की बहुत फिक्र करती है ना, इसलिए झगड़ती है। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम संभालो खुद को, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं आज शाम को जाऊंगा तुम्हारे घर पर, अब्बू से बात करूंगा मैं तुम्हारे। हाँ तुम जरूर जाना अब्बा से मिलने, और बातों बातों में मेरा भी जिक्र कर देना, और ये कहना कि वो मुझे माफ कर दे, और वापसी में आके मुझे फोन करना, मुझे बताना कि उनकी तबीयत कैसी है। अब्बा घर जाके बहुत खुश होंगे ना। ठीक है, जैसा तुम कहो। अपना ख्याल रखना। ओके, अल्लाह हाफिज। सब कैसे हो गया? असल में ये घर राहत के किसी दोस्त के जानने वाले ने खरीदा था, है ना राहत? जी हाँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, ये मेरे ही दोस्त का घर है। अब देखे ना, एक साल हो गया उनको खरीदे हुए, और बिल्कुल भी नहीं बनाया उन्होंने, ऐसे नहीं होंगे ना उनके पास, इसीलिए तो दोबारा किराए पे दे रहे हैं। इस घर का किराया कौन देगा? अरे किराए की टेंशन आप मत लो, मेरे दोस्त का घर है, मैं उससे बात कर लूंगा, और किराया इतना कोई ज्यादा नहीं है। नहीं परेशान ना हो तुम लोग, इसी घर में आ गए जहाँ ये छोटी सी थी, खेलती फिरती थी, ये इसको ठीक किसने करवाया? मैंने ठीक करवाया, बिल्कुल वैसा ही जैसा आप छोड़ के गए थे। आइए दिखाता हूँ, अंदर आइए आइए। मैं देखती हूँ। अब कैसा फील कर रहे हैं आप? आज इतने अरसे के बाद अपना पुराना घर देखा है, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कभी बीमार ही नहीं था। तुमने बेटा ये घर दिलाकर बड़ा अच्छा किया, मेरे लिए बड़ा सुकून है इस घर में। बिल्कुल सही कहा,
इस घर में सब कुछ है, अगर किसी चीज की कमी है तो वह है मेहरू की। कितना अच्छा होता अगर आज इस खुशी के मौके पर मेहरू हम सब के साथ होते। लाला देख लो, सारा सामान ले आया हूँ, सही से चेक कर लो। चिकन भी लाया ना मास्टर जी के लिए, यखनी बनानी है। लाला सारा सामान ठीक से ले आया हूँ, अब तुम यखनी बनाओ, मास्टर जी को पिलाओ और उन्हें फिट फाट करो बस। अब इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएंगे तेरे मास्टर जी। इस घर में जो आ गए हैं। लाला एक बात है वैसे, हाँ अपना घर अपना होता है, चाहे महल हो या झोपड़ी। बस इंशाल्लाह सही हो जाएंगे मास्टर जी, अल्लाह बस नजर बद से बचाए। अरे खाला खुशखबरी तो देना भूल गया तुमको एक। खुशखबरी? हाँ खाला, मैं इधर ही करीब में शिफ्ट हो गया हूँ, अब तुम्हें कोई काम हो कोई खिदमत करवानी हो अज्जू हाजिर है खाला, बस इसके बदले में जब तुम खाना पकाओ ना तो दो रोटियां ज्यादा बना ले। खुश रहे, सदा खुश रहे, आबाद रहे, सुखी। खैर अब चलता हूँ खाला, तुम काम करो। जी जी जी। चलो अहमद तुम ताली बजाना सीखो। तत्तो बजे भाई तत्तो बजे, ताली बजे भाई ताली बजे। राहुल बैठो। ये सामान तुमने नहीं डलवाया ना? देखो मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है। हाँ सही सही समझा तुमने। आपने डलवाया? मगर कोशिश करना ये बात अंकल तक ना पहुंचे प्लीज। अच्छा हम अपने घर कब जाएंगे? जब कोई इंतजाम हो जाएगा, फिलहाल तो मैं खुद फाखरा के साथ घर शेयर कर रहा हूँ, हमें उसके साथ उसी के पास रहना पड़ेगा। रहा तो उससे बेहतर नहीं कि हम यहाँ रह लें अपने माँ बाप के पास? नहीं, मैं अपने ससुराल में घर का मान बनकर नहीं रह सकता। और फाखरा का जो एहसान ले रहे हैं वो? कोई एहसान नहीं, उसकी कंपनी कहाँ पे थी और मैंने कहाँ पहुँचा दिया, बहुत सारे प्रोजेक्ट दिलवाए मैंने उसको। तो तुम्हारी कंपनी तुम्हें एक किराए का घर नहीं दिला सकती? अभी कंपनी के पास इतने फंड्स नहीं है कि मैं कुछ पैसे निकाल सकूं। मेरी फाखरा से इस हवाले से बात भी हुई है, हम इंशाल्लाह बहुत जल्द एक अलग घर में अहमद के साथ रहना शुरू हो जाएंगे। तुम्हें क्या मेरे साथ वहां रहने में कोई एतराज है? राहत मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं सब्र शुक्र के साथ रह लूंगी जहां भी तुम रखो। मैं चाह रही थी कि हम अपनी नई जिंदगी का आगाज कर ही रहे तो किसी का एहसान लेकर क्यों करें? साहिबा। जी बाजी। मेरे लिए कप चाय बना दो। बाजी वो सायमा तुम्हारे तो मैंने पिछले महीने हिसाब कर दिया था ना। नहीं बाजी, मुझे कुछ बात करनी है आपसे। बोलो। बाजी आप चली जाएंगे तो हमारा क्या होगा? तुम सब मेरी तरफ से आजाद हो, और अगर नए मालिक के साथ उसके घर में रहना चाहते हो तो तुम लोगों की अपनी खुशी है। बाजी आप कोशिश तो करें, दूसरे नौकर बता रहे थे कि वकील साहब कह रहे थे अगर कोशिश की जाए तो सब ठीक हो जाएगा। किस लिए कोशिश करूं? जब आपकी जिंदगी में से मकसद ही खत्म हो जाए तो ख्वाहिशात भी खत्म हो जाती है। बाजी आपके घर वाले भले आपसे नाराज हों, लेकिन मैं जानती हूँ आप दिल की बहुत अच्छी हैं।
मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे एक कप चाय ला के दे दो। अरे बाजी तो मैं आपका सर दबा देती हूँ। नहीं जरूरत नहीं है। कभी खिलखिल हंसती है, कभी दुप दुप रोती है, कभी सावन जैसी है, तू रंजन जैसी है। खोली है आंखें, देखा है तेरा प्यार, तेरे ही दम से है जीवन की बहार। बहने ऐसी होती है, बहने ऐसी भी होती। बहने रहने दे बेटा, पैर मत दबा, मुझे दर्द नहीं हो रहा। अब्बा मैं जानती हूँ आपके दर्द हो रहा है, इसीलिए दबा। अरे वो तो मेरी आदत है, छोड़ छोड़ शाबाश। आप मुझे मना करके नेकियों से महरूम क्यों कर रहे? अच्छा भाई ले कमाले नेकियां, और मुझे बच्चियों से खिदमत करा के गुनाहगार करते। मैं सारी नेकियां कमा के आपके खाते में डाल दूंगा। बाब, कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोल। बाब वो क्या आपा का जुर्म मेरे जुर्म से बड़ा है? अब्बा मैं आपको नाराज नहीं करना चाहती, मगर अब्बा आपा आपको नाराज करके बहुत अफसरदा है। मैंने उनकी आंखों में आपसे दूरी की चुभन महसूस की। अब्बा अब्बा हो सके तो उन्हें माफ कर दीजिए। अच्छा तो मुझे सोने दे। अब्बा सोने से पहले मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। थैंक गॉड, राहत तुम आ गए। इतने सारे काम तो मुझसे हैंडल कर करके थक गई मैं। कोई बात नहीं, मैं आ गया हूँ ना, सब काम देख लूंगा। सब काम तुम करोगे तो मैं क्या करूंगी? तुम मेरे लिए कॉफी का ऑर्डर दे दो, कॉफी बनवा लो। और उसके साथ क्या लोगे? कॉफी के साथ कप। दो कॉफीज और राहत की पसंद के कपकेक्स। तुम्हें कैसे पता मुझे कपकेक्स पसंद है? थैंक यू यार। पर ये जो कुछ भी हुआ है इसकी जिम्मेदार मैं हूं। अब मैं सब कुछ संवार दूंगी, तुम्हें तुम्हारा खोया हुआ मकाम भी वापस दिलवाऊंगी। राहत तुम्हें क्या लगता है मिस्टर चांदी वाले को हमारा ये प्रपोजल पसंद आएगा? तुम जानती हो मिस्टर चांदी वाले का नाम बड़े बड़े बिजनेसमैन्स में आता है, तुम्हें क्या लगता है
मेरा प्रपोजल इतना अट्रैक्टिव नहीं होगा कि वो ये प्रोजेक्ट हमें दे। आई एम प्राउड ऑफ यू राहत, जब से तुम मेरी कंपनी में आए हो ना सारे प्रॉब्लम जो चुटकियों में सॉल्व हो गए हैं। आई लव यू, आई मीन आई लव योर स्किल्स राहत। मैडम आप शायद भूल रही हैं कि आप राहत अली के सामने बैठी हैं जो कि खुद एक बहुत बड़ा नाम है। अच्छा मैं तुम्हें बताना भूल गई कि कल मुझे थोड़ा सा काम है जिसकी वजह से मैं ऑफिस नहीं आ सकूंगी, तो प्लीज तुम संभाल लेना। फाखरा। हाँ बोलो यार। मैं ये सोच रहा था कि क्या ये पॉसिबल है तुम्हारी कंपनी के फंड्स में से मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं, मुझे मकान लेना है। मगर क्यों, इधर तुम जब तक चाहो रह सकते हो। हाँ हाँ रह सकता हूँ, लेकिन खैरू शायद यहाँ रहना नहीं चाहती। ओ कम ऑन राहत, तुम खैरू को समझाओ, उसे तुम्हारी कंडीशन समझनी चाहिए। और वैसे भी एक अच्छी बीवी का फर्ज होता है कि वो अपने शौहर की जेब देखकर खर्च करे। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, खैरू अंडरस्टैंड करती है। बात दरअसल ये है कि वो ये चाहती है मैं एक ऐसे घर में रहें जहाँ अहमद हो, मैं हूँ और सिर्फ खैरू और कोई नहीं। बी प्रैक्टिकल राहत, मैं दोस्त होकर तुम्हारी प्रॉब्लम समझ सकती हूँ, तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, तो वो बीवी होके नहीं समझ सकती। खैर जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ। मैंने खैरू के बच्चे को मेरे आज के मुर्दा बच्चे से तब्दील कर दिया। मास्टर जी आप सो जाएं, डॉक्टर ने आपसे आराम करने को कहा है। जिंदगी का दूसरा नाम आराम ही है अख्तरी, बस अब आराम आराम आराम। लेटे लेटे थक जाता हूं। मुझे ऐसे क्यों लगता है मास्टर जी, जैसे कोई बात आपको अंदर ही अंदर सता रही है। बस एक बेचैनी सी है। मैं आपको नींद की दवा दे दूं, आप सो जाएंगे ना तो सुबह बेहतर महसूस करेंगे। नींद तो सूली पर भी आ जाती है, बिस्तर पर भी आ जाएगी। ये कौन आ गया? मैं देखती हूँ। हाला मैं हूँ दिलावेज। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो, खुश रहो बेटा। आओ आओ। वो मेहरू से अंकल की तबीयत का पता चला, मैं अस्पताल में नहीं आ सका, मुझे मेहरू ने मना किया। अंकल की तबीयत पूछनी थी, वो जाग रहे हैं। हाँ बेटा जाग तो रहे हैं, मिल लो, लेकिन कोशिश करना कि ऐसी कोई बात ना हो जिससे उन्हें कोई तकलीफ पहुंचे। बेटा तुम इस घर के बड़े दामाद हो। आप बेफिक्र, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा जिससे तबीयत मजीद खराब हो।
अब्बा की तबीयत कैसी है? ठीक है, मैंने बात की थी उनसे, लेकिन लेकिन क्या दिलावेज? उन्होंने मना कर दिया। अगर तुम्हारे घर का मैं दामाद बनता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। खबरदार, खबरदार अपनी गद्दी जबान पे खैरू का नाम भी लाएगी।